हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स मंडार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस इफेक्ट के ऊपर। इस इफेक्ट के लिए ये वीडियो रिक्वेस्ट किया गया है कि ये इफेक्ट कैसे बनाया जाए, तो मैं बिल्कुल इजी तरीके से आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम लोग ये इफेक्ट कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट के अंदर बिल्कुल इजी तरीके से इसका बेस एनिमेशन बनाना आपको बता दूंगा। उसके बाद आप लोग इसके अंदर और ज़्यादा इफेक्ट्स लगा सकते हो, ग्लोइंग लाइंस लगा सकते हो या उसे अलग अलग से एनिमेट कर सकते हो। लेकिन ये इफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा इजी तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट का लेटेस्ट वर्जन, आफ्टर इफेक्ट 2020, और मैं जस्ट एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे बना लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे है शेप टूल्स। जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करके रखते हो तो यहाँ पे कुछ शेप्स आ जाती हैं, तो पॉलीगन टूल मुझे सिलेक्ट करना है। पॉलीगन टूल से क्या होता है, हम लोग इस तरह से शेप्स बना सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ये जो साइड्स हैं, अगर आपकी ऐसी नहीं आ रही हैं तो आप अप या डाउन कीज़ का यूज़ कर सकते हो, साइड्स चेंज हो जाएंगी। तो मैं उस इफेक्ट को बनाने के लिए इस तरह से कुछ हेक्सागन बना लेता हूँ और इसका फिल 0 कर देता हूँ। तो मेरा एक हेक्सागन यहाँ पे बन गया। तो अभी ये किसी भी कलर में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पर कलर नहीं करेंगे। मैं इसे जस्ट छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे पहले। अब मुझे इसे रिपीट करना है फुल स्क्रीन पे, मुझे उसका बैकग्राउंड का बेस बनाना है। तो जस्ट आपको यहाँ ऐड पे जाना है और यहाँ पे रिपीटर लगा देना है। रिपीटर लगाने के बाद ये चीज़ों को रिपीट कर देता है। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया तो आपको पता ही होगा। अब मैं जब रिपीटर को यहाँ पे खोलता हूँ तो ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन अगर मैं चेंज करता हूँ तो मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। कॉपीज़ बढ़ा देता हूँ इसकी। तो अभी कॉपीज़ इस तरफ को बढ़ रही हैं, तो इसके लिए मैं ऑफसेट चेंज कर लेता हूँ ताकि ये पूरा स्क्रीन पर आ जाए। अब अगर मैं एक और रिपीटर यहाँ पर लगाऊँ, रिपीटर 2 अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ और इसका मैं यहाँ से पोजीशन चेंज करूँ नीचे की तरफ, तो देखो अभी रिपीट को फिर से रिपीट में कर रहा हूँ और नीचे की तरफ पोजीशन कर रहा हूँ। इसे यहाँ पे मैं जस्ट एडजस्ट कर लूँगा। तो अब देखो मुझे इसे फुल स्क्रीन करना है, तो मैं कॉपीज़ बढ़ा लेता हूँ और ऑफसेट इसका चेंज करके फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो देखो अभी ये एक पैटर्न बन गया। मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ। अब देखो, अब है हमारा मेन काम। हम लोग दूसरा शेप लेंगे, एलिप्स टूल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और जस्ट एक सर्कल बना लेता हूँ शिफ्ट का यूज़ करके। जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे फिल उसका मैं ऑन करके कोई भी कलर जो मैं चाहता हूँ कलर जो आए वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसका फिल बढ़ा करके इस तरह से कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और एनिमेशन हो, थोड़े और कलर्स यहाँ पर आएँ, तो मैं अपनी शेप टूल में यहाँ पर जाऊँगा और ऐड में एक स्ट्रोक ऐड कर लूँगा। स्ट्रोक को खोलूंगा और यहाँ पे इसका विड्थ बढ़ा के इसका कलर यहाँ से चेंज करके ये कर लेता हूँ। और अगर मैं थोड़ा और चाहूँ तो मैं एक और इसका स्ट्रोक बना लेता हूँ और डुप्लीकेट कर लेता हूँ उसे, और स्ट्रोक विड्थ बढ़ा के उसका कलर इस तरह से कर लेता हूँ। अभी आपके ऊपर है कि आपको कलर्स कैसे चाहिए वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, ताकि आपका शॉट है वो वैसा बने जैसा आप चाहते हो। तो अभी ये मेरा सीन कुछ इस तरह से हो गया है, तो ये मैं लगा देता हूँ, ये मेरा सर्कल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल को पैटर्न के नीचे रखना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं ट्रैकमेट कर सकता हूँ इसे। ट्रैकमेट अगर आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, कॉलम्स में मोड्स आपको ऑन करने हैं। डायरेक्टली अगर स्विच करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 आइकन्स होते हैं, इनके अंदर भी आप लोग स्विच कर सकते हो। तो आपको बीच वाला आइकन दबाना है जिससे कि ये आ जाएंगे। अब मैं नन की जगह यहाँ पर अल्फ़ा मैट कर देता हूँ। तो अब देखो क्या हो रहा है कि जो मेरा सर्कल है उसके कलर के हिसाब से यहाँ पे ये आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके कलर्स यहाँ पे चेंज कर दूँ, जैसे कि स्ट्रोक का कलर मैं कुछ और कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और जो बाहर का स्ट्रोक है उसका कलर मैं ये कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कितना चेंज यहाँ पर हो गया है। तो अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पर सर्कल को एनिमेट कर सकता हूँ, यहाँ पर 0 कर देता हूँ और ये कहीं यहाँ पर जाके ये फुल हो के ऐसे निकल जाएगा। तो अब देखो आपका एनिमेशन कुछ इस तरह से हो रहा है। अब मैंने कलर्स इसलिए एक जैसे रखे थे ताकि इफ़ेक्ट अच्छा लगे, तो मैं भी इसे रेड ही कर लेता हूँ वापस। तो ये तो हो गया हमारा कि वो सीन के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसे ट्रैकमेट हटा दूँ तो ये मेरा सर्कल देखो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये हार्ड एजिज़ हैं। इसे करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट यहाँ पर एक इफ़ेक्ट लगा देना है, ब्लर।
मैं ब्लर लगा के इसको स्मूद आउट कर सकता हूँ, डाइस्टर नहीं गाउजन ब्लर लगा देता हूँ और इसका यहाँ से ब्लरीनेस बढ़ा देता हूँ। तो देखो जो हार्ड एजेस हैं वो यहाँ पे स्मूथ हो गई हैं जो कि मुझे चाहिए था। अब मैं इसे जस्ट, अब जो भी मेरा एनिमेशन है मैं उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लाइक ये इस तरह से आ रहा है अभी, ऐसा आपको ये लग रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे अभी कुछ लगा दो, मैंने ये यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो जब भी आप किसी इफ़ेक्ट को किसी सीन पे लगाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ओपेसिटी से भी खेल सकते हैं। आपको सिर्फ सर्कल पे काम करना है, यहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाएगी या थोड़ी कम हो जाएगी इस तरह से। अब मैं इसे डबल ट्रिपल जितनी बार करना चाहूँ मैं जस्ट इसे डुप्लीकेट कर लूँगा। इस तरह से मैं इसे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो ये ख़त्म होगा तो फिर से ये आ जाएगा। अब मैं इन सबको यहाँ पे पकड़ के प्री कंपोज कर सकता हूँ, तो ये मेरा शील्ड बन जाता है। तो मैं इसे जस्ट प्री कंपोज कर देता हूँ ताकि मैं इसमें और भी कई इफेक्ट लगा सकूँ। अब देखो मैं इसके अंदर जो लाइंस मुझे बनानी है, कुछ अजीब सी लाइंस बीच में कई कई जगह पे आ रही हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे रेड जाइंट यूनिवर्स ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्लगइन है, तो मैं इसमें जस्ट ग्लो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अभी ग्लोईफाई है एक ग्लोईफाई टू है। तो ग्लोईफाई वन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ग्लोईफाई स्टाइलाइज का यूनिवर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ अलग से इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, कलर मैप और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। प्रीसेट हम लोग चूज़ कर सकते हैं, कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी इस पे काम करेंगे। डायरेक्शन ब्लर मैं नन कर देता हूँ ताकि ये सारी जगह पे आ जाएं। अब यहाँ पे देखो ब्लर मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ब्लर साइज़ कम करना है, तो अभी ये क्या करेगा, ये सिर्फ उतनी जगह पे ही ब्लर कर रहा है, और मैं इसे जस्ट यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से कोई और प्रीसेट ले लेता हूँ, थोड़ा स्लो एनिमेशन चाहिए तो मैं थोड़ा अजीब सा इफ़ेक्ट यहाँ पे अलग सा ले लूँगा, और इसे यहाँ पे इस तरह से यूज़ करूँगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये रैंडमनाइज हो रहा है, ये लूप उस जगह नहीं हो रहा, रैंडमनाइज हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो अपने सीन के ऊपर। और मैं यहाँ जस्ट शील्ड को यहाँ से ऐड हटा देता हूँ दोनों में अंदर आके, ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना करे। अब मैं यहाँ पे मोड चेंज कर सकता हूँ। अब आपको जो अच्छा लग रहा है यहाँ पे मोड वो आप रख सकते हो। मुझे बीच बीच में चाहिए कि ये जो एरिया है ये फिल हो, तो मैं यहाँ पे पॉलीगन एक और बना लेता हूँ जस्ट नॉर्मल। स्ट्रोक इसका ज़ीरो कर देता हूँ, इसका स्केल अभी बढ़ा देता हूँ। अब देखो इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे है, तो हम लोग एनिमेशन कंपोज़र यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन एंकर पॉइंट मूवर, तो इसे बीच में आने के लिए यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे इसे रख लेता हूँ और इस शेप को खोल के यहाँ पे कंटेंट में पॉलिस्टर को आपको अंदर से ही नहीं करना है डायरेक्टली डुप्लीकेट, अगर आप बाहर से करते हो तो पूरा का पूरा लेयर डुप्लीकेट हो जाता है, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं सबका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। तो जब ये शॉट यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाके ये बंद हो जाएंगे, यहाँ पे ये ज़ीरो रहेंगे। तो ये बीच में वैसे ही फ्लैश करने के लिए अगर आप लोग इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो इजीली। और अगर थोड़ा और एडवांस जाना है तो आप इस सर्कल को डुप्लीकेट करो, इसके ऊपर रखो, वैसे ही बंद कर दो यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये अल्फा मैट है यहाँ पे। तो होगा क्या, जब ये सर्कल यहाँ पे पहुँचेगा तभी ये चीज़ दिखेगी। तो मैं अगर इस सर्कल को यहाँ पे देखो कम कर लूँ तो ये नहीं दिखेंगे, लेकिन जब ये एनिमेट हो रहा है तब ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग एडवांस में कर सकते हो। तो अभी आपका सीन कुछ इस तरह से हो गया है, ये फ्रंट आ गया, ये दूसरे के अंदर ये थोड़ी सी चीज़ें आ गई। आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी लोगो आप लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपके और भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो या इस वीडियो के अंदर भी कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।